नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम प्राइम टाइम में। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन अमर सिंह और आजम खां का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। आजम खान ने रविवार को अमर सिंह पर आपत्तिजनक बयानों की झड़ी लगा दी। आजम खान जब अमर सिंह पर हमलावर हुए तो वे भाषाई मर्यादा को लांघते हुए थोड़े भी हिचक नहीं रहे थे। आजम खान ने अमर सिंह का ना उनके लिए दल्ला सांड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अमर सिंह का बिना नाम लिए आजम खान ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस दल्ले तो मैंने जैसी खींची है वैसे किसी ने नहीं खींची है। उस दल्ले को उसकी औकात और हैसियत में भी मैंने ही रखा। आजम खान ने आगे कहा, ये दल्ला जहाँ जाता है चैनल वाले इसे जलील करने के लिए कहते हैं कि आजम खान उन्हें दल्ला क्यों कहते हैं। इस गंजे दल्ले ने बोला, सांड हूँ, सांड सांड है तो फिर भी है तो जानवर। अगर जानवर ही होना था इस सांड को तो सांड की खूबी क्या होती है? जंगल में कोई खेत नहीं देखता, कहीं भी मुंह मार देता है और फिर डंडों से उसकी पिटाई होती है। जानवर ही बनना था तो वफादार जानवर होते जो दरवाजे पर बैठता है। कम से कम मैम साहब अमरपाली से थकी हुई आती तो पुचकार तो देती, बालों में हाथ फेर देती। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया है, लेकिन उन्हीं के दावों की पोल खोलने में उन्हीं के नेता और मंत्री लगे हुए हैं। मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री राधे श्याम सिंह पर पत्रकार से गाली गलौज और जिंदा जलाने की धमकी का आरोप लगा है। नेताओं के बिगड़े बोल का ये मामला यूपी के कुशीनगर का है। कुशीनगर की हाटा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक राधे श्याम सिंह पर ही गाली गलौज का आरोप लगा है। गाली के साथ साथ इन पर जिंदा जला देने की धमकी देने का भी आरोप है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे मनोज तिवारी ने जमकर राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा। सांसद महोदय ने एक बार फिर राहुल का वो कुर्ता फाड़ भाषण लोगों को याद कराया और एक जनसभा के दौरान मनोज तिवारी ने अखिलेश और राहुल के गठबंधन पर जमकर हमला भी बोला। मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी के साथ यारी भी हो गई, बाप रे बाप। ये राहुल गांधी कभी मुंबई जा जाकर कहते थे कि उत्तर प्रदेश के लोग भीख मांगने जाते हैं महाराष्ट्र, ये वही राहुल गांधी हैं। लेकिन मनोज तिवारी के भाषण का ये तो सिर्फ ट्रेलर था और उसके बाद तो उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर राहुल के लिए तुम तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल करने से भी गुरज नहीं किया। मनोज तिवारी ने कहा, अरे राहुल गांधी भिखमंगा होगा, तू भ्रष्टाचारी होगा, तू एक पॉकेट में इतना 2G और कोयला का पैसा रखे कि तुम्हारी पॉकेट ही फट गई, पॉकेट फटेगी तेरी, तुमको जवाब देना चाहिए यूपी को कि तेरा पॉकेटवा फटवा क्यों है, क्या समझते हो यूपी को? मतलब राहुल गांधी पॉकेट दिखाते हैं, ये देखो हमारा तो नहीं फटा, देखिए हमारा फटा। अपने पति की शराब की लत से परेशान एक पत्नी ने पहले तो आशिकी शुरू की, फिर उसी आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली पुलिस गिरफ्त में खड़ी यही वो महिला है जिसने उसकी हत्या कर दी, जिसके साथ उसने हर खुशी गम के साथ जन्मों तक साथ देने का वादा किया था। इस महिला का पति कभी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का मालिक हुआ करता था, लेकिन शराब की लत ने उसे इस तरह अपनी गिरफ्त में लिया कि उसने एक दुकान मकान जायदाद सब बेचकर किराए के मकान में रहने लगा। इस दौरान उन्होंने एक कार खरीदी जिसे किराए पर चलाकर जिंदगी गुजारने की सोची। इस दौरान कार बेचने वाले प्रवीण वर्मा से महिला के अवैध संबंध बन गए। इस बीच 7 साल गुजर गए। महिला का बेटा बेटी करीब 20 साल के हो गए, लेकिन महिला के पति की शराब की आदत घटने के बजाय बढ़ती चली गई। इन सब के बीच 5 फरवरी को इस महिला ने एक खौफनाक साजिश रची जिसे अंजाम देने के लिए अपने आशिक प्रवीण और उसके साथी को घर बुलाया और देर रात अपने पति की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी।
तुम्हारी शादी करना चाहते राजधानी दिल्ली में आयोजित मिस्टर दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप में पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी पहुंचे। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बॉडी बिल्डर का शौक रखने वाले युवाओं ने हिस्सा लिया। अलग अलग उम्र व वजन के पहलवानों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। हर कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड आने वाले पहलवानों को सर्टिफिकेट व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहुंचे पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने कहा कि बॉडी बिल्डिंग स्वस्थ शरीर के लिए लाभदायक है, इससे युवा नशे के लत से दूर रहते हैं। बॉडी बिल्डिंग को भी खेल का हिस्सा होना चाहिए, इसे खेल में शामिल करने के लिए वह खेल मंत्री को पत्र लिखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत के परमाणु प्रसार के चलते हिंद महासागर को जो सुरक्षा में खतरा हुआ है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कराची में आयोजित मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रविवार को अजीज ने कहा कि हिंद महासागर में परमाणु प्रसार क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और भविष्य में इसका खतरा और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस महासागर में सैन्यीकरण, जनसंहार के हथियार का प्रसार, मिसाइल की बढ़ती मारक क्षमता और विदेशी सेनाओं की तरफ से लगातार बढ़ावा देना मुख्य चुनौती है। सरताज आलिम ने कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय हित से भलीभांति परिचित हैं और समुद्री सुरक्षा की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, उन सभी से बेखबर रहना ये कोई विकल्प नहीं है। आगे बोलते हुए अजीज ने कहा कि हिंद महासागर में आज कई तरह की गैर पारंपरिक चुनौतियां और खतरे हैं, जिनमें पायरेसी, अवैध रूप से मछली पकड़ना, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का गैर कानूनी व्यापार, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन शामिल है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए समाचार टाइम 24।